अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये देखिए, आज बहरिया डॉन कराची में आया मिट्टी का तूफ़ान। बहुत ही खौफनाक किस्म का तूफ़ान आने वाला था, लेकिन फिर शुक्र है उसकी शिद्दत उतनी नहीं रही, क्योंकि अब ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरे जैसे मिट्टी नज़र आ रही है ना, काफ़ी मिट्टी तो आ चुकी हुई थी, लेकिन ये जो मिट्टी नज़र आ रही है ये भी आने वाली थी। लेकिन क्या हुआ कि जहाँ से ये आने वाली थी वहाँ पर बारिश शुरू हो गई, और यहाँ बहरिया में भी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन ये सारी मिट्टी आने वाली थी। लेकिन जैसे ही हवाएं ठंडी होना शुरू हो गई एकदम से, तो हमें लगा कि शायद वहाँ बारिश हो रही है, और एकदम से मिट्टी भी सारी जो है ना बैठ गई, ख़त्म हो गई। तो हमें यकीन हो गया कि हाँ वहाँ पर बारिश हो रही है। और फिर मौसम थोड़ा क्लियर हो गया, लेकिन काफ़ी तेज़ हवाएँ चल रही थी, और फिर बारिश शुरू हो गई। तो मानसून की ये पहली बारिश थी। इस वक्त सारी मिट्टी बैठ चुकी हुई, हालांकि बारिश नहीं हुई यहाँ पर, लेकिन दूर दूर इलाकों में बारिश हो गई थी, क्योंकि यहाँ भी मौसम एकदम से ठंडा हो गया था, और हवा जो है ना काफ़ी ठंडी महसूस हो रही थी। वरना एक दिन पहले तो काफ़ी हब्स था और काफ़ी गर्मी गर्मी सी महसूस हो रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ भी बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई पहले, इस तरह से ही हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो गई, और फिर हम तो फिर छत पे चले गए थे, क्योंकि ये बूंदाबांदी फिर रुक गई थी, और छत पे इस कदर तेज़ हवाएं चल रही थी कि फिर हमें डर भी लग रहा था कि पता नहीं ऊपर आके हमने सही किया या गलत, लेकिन एंजॉय भी कर रहे थे और साथ में डर भी लग रहा था, क्योंकि बिजली भी काफ़ी ज़्यादा फिर वो कड़कने लगी थी। तो इसलिए फिर मैंने, मुझे उससे थोड़ा डर लग रहा था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मेरा जो मोबाइल है वो जो बिजली है ना वो अपनी तरफ खींच ना ले, इसलिए फिर मैंने सबको बोला कि अब नीचे चलते हैं। नीचे आ गए थे हम ऊपर छत पर, ऊपर तो शदीद किस्म की हवा तीनों महसूस हो रही थी, नीचे इतना नहीं पता चल रहा था, लेकिन छत पर बहुत ही तेज़ चल रही थी हवा। शुरू में तो इस कदर मिट्टी थी हवा में कि उसमें मतलब बाहर खड़े होकर आंखों में जा रही थी और मुंह में जा रही थी मिट्टी। फिर हमने तो कपड़े से जैसे डाम दिया, नाक और मुंह डाम दिए, क्योंकि फिर सही नहीं होता इसको इनहेल करना, तो फिर क्योंकि जिनको एलर्जी का मसला होता है खासकर उनको, तो फिर थोड़ा सा मास्क वास्क पहनना चाहिए इस तरह के मौसम में। और मैंने अपने बेटे को भी बोला कि तुम जो है ना मास्क लाजमी पहनो उसको, क्योंकि थोड़ा सा एलर्जी का मसला है, तो इस वजह से। बिजली फिर कड़कना शुरू हो गई थी, तो इसलिए फिर हम नीचे आ गए थे, और फिर बारिश शुरू हो गई। तो बारिश में फिर दिल चाह रहा था कि हम जाएँ वॉक पर, और गए भी फिर हम, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था, तो फिर उसमें वॉक करना फिर अच्छा लगता है जब मौसम अच्छा हो जाए। और ये दिन के वक्त पे 3 या 4 बज रहे थे, हम रूम में बैठे हुए थे, एकदम से अंधेरा सा हो गया। मैंने बाहर देखा तो मुझे ये लग रहा था कि जैसे तूफ़ान आने वाला है, तो मैं जल्दी से बच्चों के कमरे में गई, मैंने उनको बोला कि तूफ़ान आने वाला है, तो वो भी दौड़ के बाहर निकले, और हम सब गैलरी में आके देख रहे थे कि क्या हो रहा है बाहर, और पता नहीं हम खुश हो रहे थे या हमें खौफ आ रहा था, या शायद हम एक्साइटेड थे, तो बस सब देख रहे थे कि ये वहाँ से मिट्टी आ रही है, ये देखे वो देखे, तो सब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। और इस वक्त तो बारिश शुरू हो गई थी शाम के वक्त, और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, और अभी आगे इंशाल्लाह होंगी और बारिश, अल्लाह करे हो, अच्छी सी रहमत वाली बारिश हो ताकि मौसम थोड़ा सही रहे। यहाँ थोड़ी सी बारिश हो गई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, कुछ इलाकों में शायद ज़्यादा हो गई थी, लेकिन यहाँ इस बार इस ज़्यादा शदीद किस्म की बारिश नहीं हुई थी, बस हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और ये है कि मौसम उससे काफ़ी बेहतर हो गया। और दूसरा ये भी अच्छी बात ये हो गई कि सारी जो मिट्टी है ना वो बैठ गई, वरना काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी और पता नहीं कहाँ कहाँ से शापर वगैरह ये हवा में उड़ उड़ कर आ रहे थे। और बस इस वक्त तो फिर हम निकले वॉक के लिए, अम्ब्रेला हमने साथ में ले लिया था, क्योंकि हमने कहा ऐसा ना फिर बारिश और भी तेज़ हो जाए,
लेकिन बस वो इसी तरह से हल्की हल्की सी बरस रही थी, और इसमें फिर वॉक करते बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस थोड़ी सी बारिश हुई लेकिन खूब हमने इन्जॉय किया, क्योंकि इस साल की ये पहली बारिश थी, इससे पहले नहीं हुई इतने महीनों में। और फिर हम गए मरी पॉइंट पर, वहाँ का व्यू रात के वक्त फिर बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो फिर इसको फिर हमने इन्जॉय किया अच्छे से। और बस ये भी आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।